भी अगस्त के मौसम में भी बर्फ पड़ी हुई है और ये नहीं पता था कि फ्रांस आके ही रात को ड्राइव करना पड़ेगा जहाँ पे चीजें सेफ चल नहीं रही है। और यहाँ पे फ्रांस बॉर्डर के पास में भाई गलती फंस गए, देखना कितना पीछे तक गाड़ियां लगी पड़ी है बुरी तरह से। एंड भाई इस वाले पॉइंट से जो है वो हम एंटर कर चुके हैं फ्रांस में, यानी कि आगे की जितनी भी टनल है वो फ्रांस में पड़ेगी। भाई साहब देख रहे हो 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे सिर्फ। ऑफिशियली आप सभी का भाई स्वागत है फ्रांस में। आर गोइंग टू पेरिस, नाइस टू मीट यू भाई। ओके ब्रो, व्हाट इज योर चैनल? इंडियन बैकपैकर। You watch YouTube? Yeah, of course. लो जी एक सब्सक्राइबर करवा लिया हमने पेरिस में वो भी। और दूसरी बैड न्यूज मिली है, देख रहे हो कितनी सारी पर्चियां इकट्ठी हो गई है सारी टोल टैक्स की और वो टनल के जो भराया हमने वो सब है। देख लो भाई साहब पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, बस अपनी हेडलाइट की ही रोशनी है। रात के भाई 1:12 हो गए है तो कहीं पे भी होटल में चेक इन तो मिलने नहीं वाला। रात के 1 खतरनाक वाला फंस गए। यार लास्ट वीडियो में ये जो ड्रोन और गिम्बल लेकर आया था ना, इसकी अनबॉक्सिंग अभी करी नहीं मैंने, तो आज जरा ना फ्रांस जाके करते हैं। फ्रांस मतलब पेरिस जा रहे हैं हम, तो कल रात को टाइम मिला नहीं एडिटिंग के चक्कर में, इसलिए खोला भी नहीं। तो देख रहे हो कितना दिल को ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि भैया नहीं खोलना, वहीं जाके अच्छे से खोलूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी पैकिंग वैकिंग डन है भैया, सामान लेके नीचे उतरते हैं। वैसे तो कल यार मैं ना खाली गिम्बल लेने के लिए गया हुआ था, बट वहाँ पे इतने सारे ड्रोन देख के ना ऐसे मेरा दिल सा फिसल गया और मैंने ये Mini 3 Pro खरीद लिया विद स्मार्ट कंट्रोलर। और ये सोच के खरीदा कि भाई अब मैं इंडिया जब जाऊंगा ना, गाड़ी अपनी अक्टूबर में आ जाएगी इंडिया शिप होके वापस, तो मैं गाड़ी आती ना 3-4 दिन बाद भूटान रोड ट्रिप के लिए निकलूंगा, तो वहां पे यूज हो जाएगा ये ड्रोन अच्छे से। प्लस फ्यूचर में तो देखी जाएगी भाई, है ना, अभी इस ट्रिप पे तो इतना यूज होना नहीं है। यूरोप ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, स्कॉटलैंड में काम आ जाएगा ये, जब वहां की रोड बहुत प्यारी प्यारे नजारे दिखेंगे ना जब, तो ड्रोन उड़ाएंगे मस्त एकदम। सामान भाई सारा नीचे ले आया हूँ इस सीढ़ियों में से, क्योंकि लिफ्ट यहाँ की चल नहीं रही है, तो बड़ी भैंड बज गई। और अभी चेक गया हुआ खाना खाने के लिए, जैसी वो आएगा निकलेंगे। आज वैसे जल्दी निकलना था बट लेट हो गए भाई, 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज का सफर ना हमारी इस पूरी ट्रिप का सबसे लंबा सफर होने वाला है। हमें यहाँ से पेरिस जाना ना तो अराउंड 9-10 घंटे लग जाएंगे। चलो जी चलो भाई गाड़ी आ गई है, फटाफट लगेज लगाते हैं। आज भी धूप हो रही है और गर्मी है भाई, इस मतलब इटली में और पेरिस में भी गर्मी रहेगी, लेकिन इससे पहले जो देश थे ना वो ठीक थे। चलो जी डन। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज 6 अगस्त 2023, मैं हूँ अभी इटली के एक खूबसूरत शहर मिलान में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप पे भाई हम निकले हुए हैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड चलाने वाले हैं 25,000 किलोमीटर गाड़ी को, फिर जाके भाई पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो बहुत ही भाई एपिक वाली रोड ट्रिप है, मजेदार वीडियोस आ रही है रोज 9 बजे, सपोर्ट बनाए रखना। ओ भाई सब आगे तो काफी मच्छर मरे हुए लग रहे हैं यार, आज तो वॉशिंग हो ही नहीं पाती है इन देशों में, क्या करूं बताओ भाई। वाइपर मार लेते एक बार गाड़ी में भाई अच्छे से, ताकि विंडशील्ड साफ रहे पूरे रास्ते के लिए। बाकी आज का सफर होने वाला है हमारा भाई मिलान से लेके पेरिस तक, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। गूगल मैप पे टोटल 914 किलोमीटर दिखा रहा है, वही 8.5-9 घंटे लग जाएंगे, अगर रुकेंगे तो 10 घंटे भी लगा लो। तो यहाँ पे अभी हम इटली में और यहाँ से पहुंचना है हमें फ्रांस। तो देख रहे हो भैया यूरोप का ये जो पार्ट है इसकी लास्ट कंट्री है ये, हालांकि यूरोप की लास्ट कंट्री नहीं है क्योंकि आयरलैंड भी यूरोप में ही आता है जब हम जाएंगे, बट अभी जो ये वाला स्ट्रेच है यूरोप यूरोप में इसकी लास्ट कंट्री है। इसके बाद हम फाइनली एंटर कर जाएंगे अपने सपने की तरफ, यानी कि के लंदन में। मिलान में जो हमने गाड़ी पार्क की थी ना भाई, टोटल 2 दिन के लिए थी, 2 दिन से थोड़ा कम थे, 4-5 घंटे कम लगा लो, और उसके हमने दिए हैं 54 यूरोज, यानी कि 5,500 रुपए से थोड़ा सा कम। पहला आज का टोल टैक्स आ गया है हमारा, जो इटली में ही है, क्योंकि यहाँ पे विनेट चलता नहीं है इसलिए टोल ही भरना पड़ेगा। तो ये हेल्प का बटन दबाना पड़ेगा वरना तो खुलने का कोई है ही नहीं भाई रास्ता, ना पे करने का। चल भी रही है, चल ही नहीं रहा भाई बटन, यहाँ पे भी है वैसे तो पर है ही नहीं कोई। क्या हेलो, इंग्लिश प्लीज, टूरिस्ट इंडियन कार, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। हेलो, चलो जी चलो भाई खुल गया है, उन्होंने खोल दिया है हमें। आज दोनों कंट्री जो है ना, इटली भी और फ्रांस भी, दोनों जगह ही जो है विनेट नहीं चलता, तो हमें टोल टैक्स ही पे करना पड़ेगा कार्ड से या फिर बाय कैश। कैश है
यानी हमारे पास तो कार्ड ही पे करना पड़ेगा। और ये जो है इटली में आज हमारा टोटल सफर होने वाला है 220 किलोमीटर का, और उसके बाद लगभग 700 किलोमीटर आज हमें भाई फ्रांस में गाड़ी चलानी है। तो आप सोच लो कितना बड़ा है भाई फ्रांस की 700 किलोमीटर चला के फिर हम पहुंचेंगे उसकी कैपिटल पेरिस में। तो इस वाले टोल टैक्स में तो हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, शायद से जब हम इटली के एक्सप्रेस वे या हाईवे से एग्जिट लेंगे ना तब पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं 200 किलोमीटर चलाने के आज कितने पैसे लगते हैं इटली इटली में खाली। और फिर तो मेन है भैया 700 किलोमीटर वहां पे फ्रांस में चलाने के मेरे को लग रहा है बहुत पैसे लग जाएंगे टोल टैक्स में। लो ये टोल टैक्स आ गया है हाईवे की एग्जिट जो है आगे है आगे। इस मशीन में भाई कार्ड वाला नीचे है बिल्कुल, टिकट तो मांग रहा है बट प्लीज वेट एंड डू नॉट लीव योर व्हीकल। टिकट मांग रही है मशीन बट टिकट हमें मिली नहीं थी वहां पे भाई, तो कैसे दे। इंग्लिश प्लीज, फ्रॉम मिलान मेरे ख्याल से कर रहे हैं। अब कार्ड लगा के देखना पड़ेगा, अभी भी शो कर रहा है इंसर्ट टिकट। हो गया भाई 12.7 यूरो तेरी। चलो भाई, एक्चुअल में एक कट छूट गया था पीछे तो इस वजह से एक्सप्रेस वे से वापस से उतरना पड़ा, वापस से चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। तो वहाँ से हमने एग्जिट ली थी वो देखो, और यहाँ से ही वापस जा रहे हैं अंदर। ये तो उनकी होगी शायद, चलो यही काम आ जाएगी। हम वहाँ से भाई हार्डली 60-70 किलोमीटर चले थे और एग्जिट जो लेनी पड़ी कितने की पड़ी अपने को 12.7 यूरो, यानी कि 1250 रुपए का फालतू में फटका लग गया एग्जिट की वजह से। और चढ़े हैं हम उसी वाले वापस से हाईवे पे। अब जब इस हाईवे को एग्जिट करेंगे फिर पे करना है हमें, वो शायद से और ज्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल ही मिलान के बॉर्डर, सॉरी मिलान कह रहा हूं, फ्रांस के बॉर्डर के वहां पे ही होगा एग्जिट। वो सामने वाले माउंटेन्स में देखो भाई साहब, अभी अगस्त के मौसम में भी बर्फ पड़ी हुई है ऊपर टॉप पे। वैसे तो पूरे यूरोप में ना लगभग साल में सर्दियां ही रहती है, कुछ 2-3 महीने होते हैं गर्मियों वाले, और उन्हीं 2-3 महीनों में हम यूरोप में आए हुए हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जनरली होटल्स में जो है ना वो एसी नहीं होते या पंखे नहीं लगे होते क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती नहीं है। चलो भाई इस वाली रोड से भी अब एग्जिट ले रहे हैं और अब वापस से टोल टैक्स आएगा। टोटल अभी यहां से भाई 759 किलोमीटर बचा है पेरिस जो है वो 8 घंटे के आसपास दिखा रहा है अभी। लो टोल टैक्स आ गया है भरने के लिए एग्जिट का, बॉर्डर भी आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं बचा। तो लग रहा कहीं मैं यहाँ लोकल लेन में तो नहीं घुस गया था, हो सकता गलत लेन में घुस गए तो भरना ही नहीं पड़ा। तो ये जो टिकट थी भाई अब ये किसी काम की नहीं है, यहाँ पे तो पैसे बच गए, लेट्स सी आगे कोई आता है क्या पता वहां डालनी हो ये। बॉर्डर यहाँ से 9 किलोमीटर है और भाई साहब प्रॉपर किसी हिल स्टेशन पे आ गया है। सामने वाले पहाड़ों पे देखो बर्फ भी गिरी पड़ी है और बादल ही बादल है चारों तरफ यहाँ पर। शायद ये भी हो सकता है कि ये जो बर्फ वाला पहाड़ है ना ये भाई फ्रांस का कोई पहाड़ हो, क्योंकि 8 किलोमीटर कितना ही होता है भाई, सीधा सीधा पहुंचेंगे तो एंटर कर जाएंगे फ्रांस में। क्योंकि भाई पहाड़ी रास्ते तो पूरे रास्ते में ना टनल्स बहुत सारी आई और लंबी लंबी टनल्स थी और रोड कंडीशन भी साथ ही साथ अच्छी है ये देखो। हालांकि है ये सिंगल लेन ही हमारे पास बट साफ सुथरी सड़कें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इटली में आप आओगे ना तो थोड़ा सा पुराना पुराना सा फील होगा, मतलब इतना ज्यादा मॉडर्न वो नहीं दिखेगी चीजें, स्पेशली रोम में जाओगे जब आप रोम, क्योंकि भाई बहुत पुरानी सिटी है यहाँ की। बाकी फ्रांस की बात करें तो अभी कुछ टाइम से काफी ज्यादा दंगे चल रहे थे वहाँ पे, होपफुली अभी काफी चीजें सही हो चुकी है। बाकी तो भाई जाएंगे पहुंचते हैं पेरिस और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ की अभी। लो जी लो बॉर्डर बस आ ही गया है और प्रॉपर देख रहे हो भाई पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और होटल्स वगैरह भी ना काफी है इस एरिया में, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे खासे टूरिस्ट आते होंगे घूमने यहीं के लोकल। वैसे भी लोकल तो छोड़ो भाई, यहाँ पे तो यूरोप में कंट्रीज इतनी पास पास है, कोई
बॉर्डर नहीं होता, तो एक देश से दूसरे देश जाना इनके लिए तो बहुत आसान चीज है, हमारे लिए भी बहुत आसान चीज ही है। तो इनका तो ऐसा होता होगा कि फ्रांस से घूमने आ गए यहाँ पर इटली में, इटली से चले गए फ्रांस घूमने। ये देखो भाई बोर्ड पे ही कितने सारे होटल्स के नाम लिखे हुए, तो मतलब ये सारे यहीं पे ही है। बॉर्डर के लिए जो कट लेना भाई यहीं पे जाम लगा हुआ है, ट्रक भी खड़े और ये मोटर होम वगैरह। पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, बट पता नहीं भाई ये बारिश है क्या है, लग तो बूंदे नहीं रही है, थोड़ी मोटी मोटी सी लग रही है, स्नोफॉल हो रही है, बट बारिश ही है, इतनी धूप में क्या स्नोफॉल होगी। यहाँ पे देखो भाई केबल कार भी चल रही है नीचे से ऊपर तक की, और जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं। आज का सफर वैसे ही हमारा इतना लंबा था और ऊपर से यहाँ पे अभी ये 40-50 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, और अभी भी पता नहीं कितनी देर और लगेगी। यहाँ पे भाई एक्चुअल में ना एक टनल है 12.5 किलोमीटर की स्ट्रेट, जो बिल्कुल आपको ना फ्रांस में निकालेगी, तो ये टनल की वजह से ही जाम लग रहा है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मिनिमम स्पीड जो अंदर वो 50 की और मैक्सिमम 70 की चला सकते हैं, तो इसी चक्कर में जो है इतना जाम है, एक एक करके या फिर मतलब ग्रुप में छोड़ रहे होंगे अंदर। यहाँ देख लो भाई पूरा बॉर्डर सब अंदर ही आएगा जो आएगा, मतलब ऑब्वियसली रुकना नहीं है हमें बॉर्डर पे, क्योंकि शेंगेन टू शेंगेन कंट्री ही जा रही है, बट क्योंकि कंट्री चेंज हो रही है टनल के अंदर से ही, तो इसलिए धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं सबको। एंड जस्ट टनल से पहले ही ना ये टर्मिनल भी बना हुआ है, यहाँ पे वॉशरूम रेस्टोरेंट वगैरह अगर किसी को कुछ खाना हो तो। वैसे तो 13 किलोमीटर की टनल कितनी देर लगेगी भाई, 15-20 मिनट मैक्स। लो जी गेट आ गया है टनल का, बस आने ही वाली है, इतनी देर की जो वेटिंग थी फाइनली खत्म हुई भाई। टर्मिनल देख के तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंट्री के बॉर्डर क्रॉस ही कर रहे हो, मतलब कंट्री तो है ही खैर बट यूरोप के हिसाब से बॉर्डर नहीं लग रहा है, वैसी वाली फील आ रही है जैसे ईरान से टर्की एंटर किए थे ना भाई साहब, उस दिन नेक्स्ट लेवल ही एक्सपीरियंस था, और अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस की एक्साइटमेंट कम होती गई और अब तो खत्म ही हो गई है, क्योंकि बॉर्डर आते ही नहीं। अब जब हम यूके में एंटर करेंगे ना भाई साहब, तब आएगी फीलिंग की हाँ जिस टारगेट से निकले थे इंडिया से वो टारगेट भी पूरा हो रहा है, और एक ऐसे देश में घुस रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर बॉर्डर देखने को मिल रहा है। काफी सही बना हुआ है भाई, पता होता ना कि इतनी देर लगने वाली है तो इस रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा ही लेते, बट अब तो खैर नंबर ही आ गया हमारा। सामने देखो भाई लंबा ही जाम लगा हुआ है, शायद से टोल टैक्स है कोई, और यहाँ पे फ्रांस बॉर्डर के पास में भाई गलती फंस गए, देखना कितना पीछे तक गाड़ियां लगी पड़ी है बुरी तरह से। आई गेस यहाँ पे ना टनल की फीस भरनी होगी शायद से कुछ, या फिर टोल टैक्स होगा पता नहीं। ये देखो भाई बोर्ड लगा आ गया है फ्रांसिया यानी फ्रांस का, और टोल टैक्स नहीं भर रहा कोई भी भाई, वही टनल के लिए ही लाइन है, एक एक करके जाने दे रहे हैं, तो पैसे वैसे नहीं देने ना ही कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, निकल जाओ बस सीधा, मतलब ऑब्वियसली जब हमारा नंबर आएगा तभी। वो वाली लेन यार है तो ट्रक और बसों के लिए, पता नहीं गाड़ी वाले वहां से क्यों निकाल रहे हैं, बट हमें यहाँ से जाना है, सारी गाड़ियां यहीं से ही जा रही है। ये देखो और सामने भाई 3 झंडे लगे हुए, एक ईयू का, बीच में स्विट्जरलैंड का भी लगा रखा है इन्होंने यहाँ पर देखो। अच्छा अब दिखा भाई 3 नहीं है 6 झंडे है काफी सारे, और वो भाई आगे तक जाम है, बहुत सारी गाड़ियां जो है बॉर्डर क्रॉस कर रही है। वो ये खाली बॉर्डर क्रॉसिंग होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती, टनल की वजह से ज्यादा जाम लग रहा है बस। प्लस हम कर भी भाई शाम के टाइम रहे हैं क्रॉस, अगर सुबह सुबह कर लेते तो शायद इतनी भीड़ ना मिलती जितनी अभी है। यहीं पे भाई साइड में रेस्टोरेंट है तो थोड़ी देर लगा लेते हैं गाड़ी, वॉशरूम भी हो जाता हूँ और कुछ खाने का पकड़ लेता हूँ रस्ते के लिए। ओ भाई साहब यहाँ तो ठंडा हो रहा है मौसम पूरा, वहाँ इटली में ही गर्मी हो रही थी, यहाँ पे तो सही में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो इस चक्कर में भाई शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के निकला कि गर्मी होगी यहाँ पे। पिज़्ज़ेरिया बना हुआ है तो पिज्जा मिल जाए या पास्ता मिल जाए कुछ भी मिल जाए वही ले लूंगा, भूख बहुत तेज लग रही है, बस भूख मिटनी चाहिए क्योंकि भाई साहब सुपर मार्केट भी है यहाँ तो तगड़ी सी पूरी। यहाँ पे ज्यादातर भाई वही है ब्रेड्स वगैरह मिल रही है, और ये सब नॉन वेज है, ये भी सारी की सारी नॉन वेज है, बस एक ही वेजिटेरियन है जिसमें टमाटर और घास फूस डाल रखी है, बाकी ये चिकन वाला भी है। मफिन वगैरह ले लिया भाई मैंने तो, रस्ते में थोड़ा तो काम हो ही जाएगा चलो। और देखना भाई कितनी तगड़ी वाली भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे बॉर्डर पे, और आज भाई पेरिस पहुंचते ना 11 बज जाएंगे रात के, मतलब हम रात को ड्राइव करना अवॉइड ही करते हैं, बट ये नहीं पता था कि फ्रांस आके ही रात को ड्राइव करना पड़ेगा जहाँ पे चीजें सेफ चल नहीं रही है या चल नहीं रही थी अब का पता नहीं। चलो जी भाई वापस से जाके लाइन में लग जाते हैं, होपफुली जल्दी जल्दी नंबर आ जाए। हम 12 बजे निकले थे इस उम्मीद से कि गूगल मैप में जितना रास्ता दिखा रहा है 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे रात को पेरिस, बट भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा टाइम बीच का था ये तो गूगल मैप ने बताया नहीं, 2 घंटे हो गए हमें, तो वही 11-12 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते रात को। एंड अब आया भाई वो टोल टैक्स, यहाँ पे टोल पे करना है हमें अंदर टनल के लिए। आ गया भाई हमारा भी नंबर, देखते हैं कितने पैसे लेते हैं ये, हो सकता है ये वाली टिकट यहाँ पे देनी हो क्योंकि ये सामने वाली गाड़ी वाले ने कुछ तो पर्ची दी है उनको। हेलो वन वे 52 यूरो 52 यूरो भाई साहब 5,000 रुपए है एंट्री का एक तरफ का, दिस इज टनल फीस। हाँ ओके थैंक यू भाई। भाई साहब देख रहे हो 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे सिर्फ। लो भाई खोल दिया इन्होंने यहाँ पे ये टनल ना, एक्चुअल में भाई यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन को काट के बनाई गई है जिसका नाम है मोंट ब्लैंक, और भाई स्पेशली इन्होंने ये ग्रीन कलर का दिया है जिसमें स्पीड लिमिट लिखी हुई है 50 की मिनिमम रखनी है गाड़ी, और 70 मैक्सिमम जा सकती है क्योंकि कैमरे लगे पड़े ये देखो, और दो गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो भी 150 मीटर्स का मेंटेन करके ही रखना है सेफ्टी वाइज पूरा। रूल्स के लिए बताओ स्पेशली इन्होंने ये छाप के दिया अलग से, एंड बैक साइड में सारे सिंबल लगे हुए हैं कि अगर ये वाला सिंबल होता है तो क्या करना अंदर, और इमरजेंसी में ऐसे ग्रीन गेट है वहां से भाग सकते हो आप। चल भाई 5,000 रुपए ना पता नहीं क्यों हजम से नहीं हो रहे कि एक टनल के लिए 5,000 रुपए पे कर रहे हैं।
चलो जी चलो, अभी तक की जो टनल थी वो इटली साइड में थी, एंड भाई इस वाले पॉइंट से जो है वो हम एंटर कर चुके हैं फ्रांस में, यानी कि आगे की जितनी भी टनल है वो फ्रांस में पड़ेगी। और भाई ये ना सिंगल ही टनल है आने जाने वाली, देखो लेफ्ट लेन में सामने से गाड़ी आ रही है और हम अपनी वाली लेन से जा रहे हैं, और हर जगह साइन बोर्ड लगे पड़े हैं प्रॉपर, 10-10 कदम पे की 70 की स्पीड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं चलानी। और ये जो लाइन की मार्किंग है इनका मतलब ये है कि हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते किसी गाड़ी को अगर हमारे सामने कोई स्लो चला रहे थे। चलो जी चलो, टनल हो गई है खत्म। ओ भाई साहब सामने देखना बादल ही बादल हो रहे हैं गहरे गहरे। यहाँ से टोटल पेरिस जो है वो 616 किलोमीटर है और 6 घंटे दिखा रहा है, यानी कि 100 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाएगी। और दूसरी तरफ अंदर घुसने वालों की लाइन लगी पड़ी है वही, क्योंकि इनको भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। बट हमारा चलो ये है कि अब हाईवे मिलेगा सारा, तो मस्त ना स्पीड मेंटेन अच्छे से करके पहुंच जाएंगे। एंड वहाँ पे पहाड़ देखो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, और ठंडी हवा भाई साहब, खिड़की खोली बर्फ जैसी हवा आ रही है अंदर। बट पेरिस पहुंचते पहुंचते शायद से गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही यहाँ पे हिल स्टेशन टाइप की जगह पे है और वो प्रॉपर सिटी है। एंड ये भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 25 है, और बाय रोड स्कॉर्पियो के साथ कंट्री नंबर 24। ऑफिशियली आप सभी का भाई स्वागत है फ्रांस में। हालांकि हम फ्रांस एक बार आ चुके हैं, बाहर बाहर से निकल गए थे, बट अभी ऑफिशियली घूमने के लिए तो एंटर हो ही रहे ना। पहाड़ी रास्ता जो है भाई वो ऑलमोस्ट बस खत्म ही हो रहा है, अब प्रॉपर हाईवेज मिल जाएंगे हमें आगे, मस्त वहाँ पे स्पीड में चलाएंगे। ये देखो उतर ही रहे नीचे पहाड़ से। यहाँ पे भाई 90 की स्पीड लिमिट है बताओ पहाड़ी इलाकों में, वो भी क्योंकि रोड्स काफी अच्छी बना रखी है, अब धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे ऐसे कुछ आगे आने वाला होता है ना, तो ये ना स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं स्पीड लिमिट। मतलब कभी भी ना पूरे हाईवे पे ऐसे नहीं होगा जैसे कोई शहर आने वाला है तो एकदम से 100 से सीधा 50 गिर जाएगी, 100 से ये लेकर जाएंगे 70, फिर 70 से 60, फिर जाके 50-40, ऐसे होती है स्पीड लिमिट। ये कुछ बिजली का भाई पावर प्लांट सा लगा पड़ा है यहाँ पे इतना बड़ा, और वो सामने एक सिटी है जो कि एक फ्रांस की सिटी है। जी आज का हमारा फ्रांस का भी जो है पहला टोल टैक्स आ गया है, यहाँ पे भरना पड़ेगा फिर से, पे ही करना है। 4.5 यूरो की है भाई पेमेंट। चलो जी चलो, खुल गई, नहीं मिलेगी। 423 रुपए कट गए हैं भाई साहब, मतलब टनल के अलग से भरे 5,000 रुपए, अब ये टोल टैक्स भी भरो, और अभी तो 500-550 किलोमीटर से भी ज्यादा चलानी है गाड़ी, तो सोचो कितना भरना होगा टोल टैक्स। लो जी लो, वापिस एक और टोल टैक्स। कार्ड तो मैंने यही रख रखा है कि आते जाएगा और टैप करता जाऊंगा बस। टोल टैक्स देखना कैसे बना रखा, ऐसा लग रहा है वुडन है, बट हाँ वुडन ही है भाई शायद से। तो लेट्स गो भाई। लो जी लो, टोल देवता 2.1 यूरो। चलो 200 रुपए लग गए भाई यहाँ पे भी, और पहले 400 कुछ रुपए, तो 600 रुपए तो ऑलरेडी फ्रांस में भर चुके हैं, प्लस वो 5,000 अलग से टनल का। फिर आ गया भाई तीसरा टोल टैक्स फ्रांस का, बताओ हद ही हो गई। हार्डली 15 किलोमीटर चले हैं वहां से, टिकट डालने को बोल रहे हैं तो है ही नहीं टिकट। अच्छा टिकट लेने के लिए बोल रहे हैं। चलो जी, अब ये वाली टिकट कितने किलोमीटर तक है पता नहीं, क्योंकि भाई दो बार भर चुके हैं, तीसरी बार भी भरना ही है, अब चौथी बार आएगा या नहीं आएगा वो अलग है। 383 किलोमीटर रह गया पेरिस, रात के 8:14 हो गए, 3 घंटे और लगेंगे, तो 11:30-12 बजने ही है। वो मैंने कहा ना फ्यूल स्टेशन आ गया था तो यहीं रोक लिया, क्योंकि डीजल भी खत्म है और साथ ही साथ भाई DF भी खत्म पड़ा है, वहां पे मिला नहीं था उस दिन, आज भरवाना जरूरी है वरना भाई गाड़ी बंद हो जाएगी। 18% पे रह गया शायद, 18 या 20%, देखता हूँ कितना। तो यहाँ पे भाई गाड़ी खड़ी कर दी है, उधर की तरफ फ्यूल स्टेशन है एंड इधर की तरफ जो है मैकडोनल्ड्स है, पहले पेट पूजा कर ली जाए। अब लेट रात वहाँ पहुंचेंगे, पेरिस में कुछ खुला तो मिलेगा नहीं खाने का, अभी खा लेते हैं इसलिए मैकडोनल्ड्स में, ताकि रात को लेट भी पहुंचे तो दिक्कत ना हो भाई, भूख ना लगे कम से कम, है ना। इन्होंने तो भाई पूरा ही कॉम्प्लेक्स बना रखा है, स्टारबक्स मैकडोनल्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, देखो ऊपर वाली फ्लोर पे है मैकडोनल्ड्स, और वॉशरूम्स वगैरह भी बने होंगे साफ सुथरे। वैसे अगर आप मैकडोनल्ड्स में कुछ ऑर्डर करते हो ना और फिर उनका वॉशरूम यूज करते हो तो वॉशरूम फ्री है, वो एक कोड देते हैं बिल में लिख के, वो डालो खुल जाता है गेट। बट अगर आप भाई खाली वॉशरूम यूज करने जा रहे हो तो 1 यूरो की फीस होती है, यानी कि 100 रुपए, बताओ 100 रुपए वॉशरूम के दो। ये आ गया भाई ऊपर वॉशरूम के लिए, सॉरी वॉशरूम के लिए नहीं, खाने के लिए मैकडी में। ये देखो किसी मॉल की तरह जैसे फूड कोर्ट होता है ना पूरा, भाई वैसे ही हिसाब किताब है, यहाँ काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स या फिर छोटे छोटे फूड कोर्ट बने हुए हैं, कोई बड़ी बड़ी टच स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। इनके मेन्यू में तो
तो वेजिटेरियन ऑप्शन ही नहीं है। एक अंडे वाला तो है पर वो भी बर्गर नहीं लग रहा, पता नहीं अजीब से ही कुछ लग रहा है। अगर मैक एग मिलता होता ना भाई बाहर यूरोप में तो मेरे तो मजे हो जाते, बट मिलता ही नहीं है यार कुछ। वेज में भी आई गेस बस सैलेड है और कुछ नहीं है। और भीड़ इतनी तगड़ी लगी पड़ी है, बताओ ये सब मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं। अभिषेक खाली फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, बट मेरे को खाने का मन नहीं है फ्रेंच फ्राइज, इसलिए कुछ और ऑप्शन देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट में मिल जाए कुछ। अगर यार इस वाले रेस्टोरेंट में भी देखो सब कुछ ही नॉन वेज है भाई, वेज है ही नहीं कुछ भी। बट वॉशरूम बहुत साफ सुथरे थे भाई साहब, एकदम ऐसे लग्जरी वाले, फ्री का था वो भी, मतलब पैसे वैसे नहीं लिए। यहाँ पे दो भाई लोग मिले अपने, व्हाट्स योर नेम? अब्दुल। अब्दुल एंड योर? अली। यू आर फ्रॉम फ्रांस? पेरिस। ओके, टूनीजिया। हाँ ओके, वी आर गोइंग टू पेरिस, नाइस टू मीट यू, बाय। ओके ब्रो, या इंडियन बैकपैकर, यू वॉच यूट्यूब? ऑफ कोर्स, बट आई मेक वीडियोस इन माय नेटिव लैंग्वेज हिंदी। इंडियन INDIAN। लो जी एक सब्सक्राइबर करवा लिया हमने पेरिस में, वो भी यू आर फेमस, यस। ओके ब्रो, ओके ब्रो, बाय 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 बाय। सही है भाई, मस्त रिएक्शन, बस खाने का मिल जाए कुछ, देखता हूँ स्टोर में कुछ मिल जाए तो। अगर खाने का होगा अभी तो यही है, सैंडविचेस वगैरह, ये भी सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है भाई। पास्ता मिल जाए ना वो डब्बे वाला, तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे ना वेज पास्ता होता है इनके पास। एक्सक्यूज मी, Do you have anything vegetarian? No meat, no meat. Vegetarian? Maybe pasta? I don't have for today. हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू। नहीं है भाई इनके पास वेजिटेरियन तो कुछ भी कह रहे, बाकी ये सब ऑप्शन है, सब में वही है, चिकन विकन तो है ही कुछ ना कुछ। चिकन भी छोड़ो भाई, पता नहीं क्या क्या होता है, चिकन तो मैं खा लेता हूँ वैसे, बट उसके अलावा कुछ गलती से भी खा लिया तो बड़ी अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता ऐसी जगहों पे जहाँ पे मुझे पता नहीं है कि चिकन है या नहीं। छोड़ो भाई, अब भूखा ही रहना पड़ेगा लग रहा है। स्टारबक्स है भाई काफी बड़ा, बट कॉफी वॉफी तो पीनी नहीं है मुझे। उस तरफ देखता हूँ भाई शायद से कोई हो अगर खाने पीने की जगह, वैसे तो उधर खाली फ्यूल स्टेशन ही है तो मिलेगा तो नहीं। एक ये रेस्टोरेंट है, कौन सा है भाई, क्या नाम है इसका? अच्छा आ टेबल, ये तो ऊपर था, इनके पास भी सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही था। देखो भाई यही पांच रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे टोटल, एक ये सामने भी बना हुआ है वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जाके देखता हूँ कुछ हो क्या पता। कैसीनो बना रखे है, ये नहीं कि कुछ वेजिटेरियन खाने का भी बना दे। ये भी भाई सुपरमार्केट ही है, यहाँ देख लेता हूँ पास्ता वास्ता होगा अगर तो। कॉफी की 10-10 मशीनें लगी पड़ी है भाई, कितनी कॉफी पीते है पता नहीं। यहाँ भी देखो वही सब है भाई, सैंडविचेस वगैरह मिल जाए भाई, पास्ता कहीं पे तो नहीं है, नहीं है। फ्रूट्स है बट इतने महंगे है, ये भी भाई खाने का ही नहीं मन करता। सेब, इसके अलावा वही ब्रेड सैंडविचेस बन, यही सब मिल रहा है। तो कितनी वेराइटी है भाई, सब सैंडविचेस की भर भर के सैंडविच है। ये देखो ये मील मिल रही है, बट अगेन वही सब कुछ ही नॉन वेजिटेरियन, वही रहा पास्ता शायद वेज है। यहाँ पे ना ये लिखते भी नहीं है, एक तो दिक्कत ये है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वो ग्रीन और रेड डॉट तो इनको लगाना चाहिए कहीं ना कहीं। इसके अंदर मेरे को लग तो सब कुछ ही वेज रहा है भाई, टमाटर वगैरह पूछ ही लेता हूँ काउंटर पे जाके, अगर वेज हुआ भाई तो मजा आ जाएगा, खाने का जुगाड़ हो गया। इंग्रेडिएंट्स वैसे तो लिखे है भाई, बट समझता नहीं आ रहा ज्यादा कुछ खास, कहीं कुछ इसमें से हो ऐसे नॉन वेजिटेरियन तो पता भी नहीं चलेगा। सबसे सेफ ऑप्शन यही है पूछ के खाऊं। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी दिस इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। दिस इज वेजिटेरियन? सलाद नो, सैंडविच oui mais salad. Ah okay, this is not vegetarian. Non bah en fait si si poisson okay, c'est pas not vegetarian. Thon. Okay, fish. टूना फिश, ओके ओके। तो इसमें तो भैया फिश है, वो भी टूना फिश। फिश तो मैंने वैसी जिंदगी में कभी नहीं खाई, तो खाऊंगा भी नहीं। अब वापस रख देते भाई जहाँ से लिया था। सब में कुछ ना कुछ है भाई नॉन वेजिटेरियन, देख रहे हो मशीनें लगी पड़ी है भाई कॉफी की, इतनी सारी, खाने का कुछ नहीं है। लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा सही में खाली पेट, ATM भी लगा हुआ है। ओहो, चील चील हवा चल रही है भाई साहब, जबकि अभी हम पहाड़ी इलाके से थोड़ा दूर आ चुके हैं, फिर भी ठंडक है यहाँ तो। मुझे लग रहा है कहीं पेरिस में भी ठंड हो रही हो। डॉग्स को बड़ा लाते हैं लोग यहाँ पे ना अपने पार्क्स वगैरह में, तो चलो नॉर्मल है, बट भाई साहब लोग होटलों तक में लाए हुए हैं, बट जो होटल अलाउ करते होंगे शायद उन्हीं में लाते होंगे। तो भाई गाड़ी आ गई है अपनी, अंदर ही बैठ जाता हूँ, ठंड लग रही है बहुत तेज, खाना वाना तो मिला नहीं है। मैं सोच रहा था भाई 9-10 बजे पहुंच जाएंगे तो मस्त जाके ड्रोन बॉक्स करूंगा, गिम्बल अनबॉक्स करूंगा, ऐसे एक्साइटमेंट सी हो रही थी। अब एक तो लेट हो गया इतना, और दूसरी बैड न्यूज मिली है। एक्चुअल में भाई उन्होंने ना मुझे एक टैक्स रिफंड का वो दिया है डॉक्यूमेंट, उसमें ना मेरे को जब मैं यूरोप से एग्जिट करूंगा तो 150 यूरोस का टैक्स रिफंड मिल जाएगा कैश में, यानी 15,000 रुपए भाई, बड़ा अमाउंट होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि मैं यहाँ पे यूरोप में एज अ टूरिस्ट आया हूँ, तो मुझे इस कंट्री का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब भी मैं कंट्री छोड़ के जाऊंगा तो वो टैक्स मुझे रिफंड मिल जाता है गवर्नमेंट से। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा ना वो भाई डब्बा पैक होना चाहिए बॉर्डर पे ही, तभी आपको जो है वो रिफंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या करते हैं, जैसे वाइन या विस्की की बोतल खरीद ली और यहाँ पे पी ली और फिर टैक्स रिफंड मांगते हैं बॉर्डर पे, तो ऐसा नहीं है भाई, उनको नहीं मिलेगी, यूज कर लिया आपने। क्योंकि सेम विद ड्रोन और गिम्बल भी, कि मैं अभी अनबॉक्स नहीं कर सकता भाई फ्रांस में, जब मैं फ्रांस से एग्जिट लूंगा ना यूके के लिए, तब मेरे को सील पैक दिखाना है ये सारा सामान, और
बिल दिखाना है, तब वो मुझे 150 यूरो जो है वो रिफंड देंगे। एक बार रिफंड मिल गया उसके बाद मैं खोलूं, यूज करूं, जो मर्जी करूं, कोई टेंशन नहीं है। तो अब 3 दिन ना मुझे ऐसे संभाल के पेटी पैक रखना पड़ेगा ड्रोन को, जो बहुत मुश्किल है करना। जितने भी लोग आप में से ऐसे टेक के शौकीन है वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से कि भाई कोई नया आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाला गैजेट लेते हो और उसको भाई बिना यूज करे बस संभाल के रखना 3-4 दिन बहुत मुश्किल होता है ना। बाकी स्ट्रेचिंग कर लूं भाई, 6-7 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए और अभी 3-3.5 घंटे और बैठना है, तो ये स्लिप डिस्क का दर्द फैले उससे पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। भाई साहब कड़क बच रही है मस्त एकदम। 5 मिनट के लिए बाहर निकला था भाई साहब, कुल्फी सी जम गई, हो बहुत ठंड हो रही है। फ्यूल है भाई साहब यहाँ पे 5 अलग अलग हो भाई साहब, बट हमें नॉर्मल वाला डीजल यानी गजोल डलवाना है। ये 1.9 यूरो पर लीटर, 190 रुपए लीटर है भाई। यहाँ भी भाई वही सीन है, पहले कार्ड लगाओ उसके बाद शुरू होगा। इस वाली मशीन में तो चल रहा है भाई, कार्ड वहाँ नहीं चल रहा था बट ले नहीं रहा मेरा कार्ड शायद से यहाँ पे। हाँ हो गया स्टार्ट होगी भाई, मेरा तो कार्ड रिजेक्ट हो गया, अब अभिषेक लगाएगा अपना। और ये रहा भाई इधर की साइड में एड ब्लू और डीजल भी है, यहाँ से भी भरवा सकते हैं अगर यहाँ से नहीं भरा गया तो। वहाँ पे दोनों चीजें है क्योंकि एड ब्लू और डीजल भी, लेट्स सी यहाँ भर गया तो ठीक है वरना कोई नहीं वाले चलेंगे। बाकी वाइपर इधर भी दे रखा है इन्होंने, मस्त अपनी विंडशील्ड साफ कर लेते हैं। ओए होए 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 चमक जाएगी भाई, देख रहे हो क्या मस्त एकदम। ओए होए सारे दाग हट गए भाई, दोनों का कार्ड ही नहीं चल रहा इसलिए मार्केट के अंदर जाके पहले पे करना पड़ेगा, फिर जो है वो मशीन से हम भर पाएंगे बाहर। पता नहीं क्या दिक्कत है यार कार्ड में, मैं FI का यूज कर रहा हूँ वो 1 कार्ड का, दोनों ही नहीं चले। पेमेंट कर दी है, 10 नंबर पे जाना है तो वहाँ पे ही भरा जाएगा। 5,380 रुपए काटे हैं इन्होंने, तो इनमें से भाई 10 नंबर कौन सा है, यही वाला है 10 नंबर, चलो सही भरा उन्होंने। अब देखते हैं, हाँ चल गई मशीन भाई, लेट्स गो। चलो जी चलो, वेरी गुड। टोटल आई गेस 25 लीटर, नहीं 25 से तो ऊपर जा रहा है भाई, कितने का भर दिया, 30 लीटर का करा होगा उन्होंने। हाँ 5,000 समथिंग जब ही कटा। ये देखो भाई हो गया 30 लीटर। इसकी कुप्पी कहाँ है? खोलो इसी में, यही तो है कुप्पी और क्या, उल्टा लगा दो बस इसको, ढक्कन का इसका। तो जो कल एक्स्ट्रा हमारे पास डीजल पड़ा था ना 2 दिन का, वो भी डाल दिया इसी में। आ जाओ उधर ले आओ। चलो भाई अब चल के DF भी भरवा लेते हैं, फिर इस ट्रिप पे हमारी छुट्टी DF की, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो भाई इस तरह की मशीन लगी हुई है एड ब्लू की, इंडिया में नहीं होती ऐसी मशीनें, यहाँ पे मशीन लगी है प्रॉपर। 0.78 यूरो पर लीटर, यानी कि 78 रुपीज 1 लीटर के, 10 लीटर डलवाना है 800 रुपए में डल जाएगा। बट इसकी पेमेंट कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ पे तो कोई मशीन ही नहीं है पेमेंट की, है ही नहीं यहाँ तो की मशीन। लग रहा है फिर अंदर जाना पड़ेगा और पे करके आना पड़ेगा इसके लिए भी। 17 नंबर है ये। ऐसा करता हूँ राउंड फिगर में ही कर लेता हूँ, 10 यूरो पूरा जितना भी आएगा मेरे ख्याल से 12 लीटर के आसपास। जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी थी वो एक्चुअल में ट्रक की लेन थी, तो वहाँ तो नहीं। अब अभिषेक जो है वो मूव कर रहा है 7 नंबर पे, फिर पे होगा यहाँ पे, वरना अगर मैंने पे कर दी और किसी और ने गाड़ी लगा दी तो वो भर लेगा ना, तो इसलिए पहले गाड़ी को वहाँ ले जाना जरूरी है, देन पे करना होता है। ये रिसिप्ट दे दिया इन्होंने 8 नंबर लिख के, हालांकि मशीन जो है ना वो भाई ऑटोमेटिकली चालू हो गई होगी, बस सीधा नोजल निकालना है और भर लेना है। चलो भरो। लो जी लो, इस तरह का नोजल है इनका हेड ब्लू का, वही सेम डीजल वाला ही प्रोसीजर है पूरा। और इसका छेद जो होता है वो अलग होता है भाई डीजल वाले से, अंदर जाएगा वो जब ही होगा। अब चलेगा, टेंसर लगा हुआ है। लो जी भरना शुरू हो चुका है। टैंक शायद से स्कॉर्पियो का 15 लीटर का होगा और 20% अभी पड़ा भी है, तो इसलिए 10 लीटर और डलवा ले, मतलब 12 लीटर और डलवा लेंगे तो 70-80% पे पहुंच जाएगा मीटर बढ़िया से। हाथ में सारा डीजल हो रखा है वो कैन की वजह से, धो लेता हूँ, बड़ी अजीब सी बदबू सी आ रही है। यही भाई मार्केट के अंदर ही वॉशरूम बने हुए इतने सारे, देख सकते हो आप सामने। एंड आई गेस भाई फ्री होने चाहिए यहाँ पे, तो पैसे क्या ही लेंगे ये, है ना। फ्री था भाई वॉशरूम, बढ़िया है। और मशीन बड़ी स्लो चल रही है भाई साहब, देख रहे हो अभी तक भरा ही नहीं गया है यहाँ पे पूरा। 10 यूरो में आया है टोटल 12.67 लीटर। दिखा देता हूँ भाई आपको अब कितना परसेंटेज हो गया है और मैं खुद भी देख लेता हूँ। लो जी लो 85% हो गया, मस्त एकदम। अब तो भैया कोई डर नहीं है, आराम से 7-8 हज़ार किलोमीटर तो इतना चली जाएगा एड ब्लू। और कम पड़ा भी तो भाई डलवा लेंगे यहाँ, बहुत ईजिली मिल जाता है। हम बहुत डर रहे थे इंडिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ईरान तक देशों में मिल रहा था भाई पेट्रोल पंप पे, बताओ। तो फिर यहाँ तो मिलेगा ही ना। टाइम ऑलरेडी भाई 9:40 हो गए हैं यहाँ पे, तो भाई कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया हमने भाई साहब। अभी तो 3.5 घंटे हो रहा है, मतलब कि 10:03 बजे पहुंचेंगे रात के पेरिस ना। अभी हमारे पास होटल बुक है तो होटल भी बुक करना है रस्ते में। अपार्टमेंट पता नहीं चेक इन देगा या नहीं देगा रात के 1 बजे, तो वो भी प्रॉब्लम है। होटल में तो मिल जाता है कभी भी चले जाओ चेक इन, बट अपार्टमेंट्स में ओनर तो वहाँ रहते नहीं है, तो बड़े लफड़े होते हैं। दिन में इतने लफड़े हो जाते तो रात को 1 बजे तो पता नहीं कैसे चेक इन मिलेगा। अब देखते हैं भाई, और कोई है नहीं ऑप्शन, क्या करें। चलो बिना टाइम पास करे भाई खींचते हैं सीधा जल्दी जल्दी। ये देख रहे हो कितनी सारी पर्चियां इकट्ठी होगी, सारी टोल टैक्स की और टनल के जो भरा है हमने वो सब है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ अभी तक हम बहुत पैसा भर चुके हैं, आज सिर्फ इटली से पेरिस आने में ही, और अभी भी पता नहीं आगे टोल टैक्स कितने आने हैं।
रात के भाई 10:15 हो रहे हैं और पूरा गुप अंधेरा हो चुका है रोड पे, एंड यहाँ के भी जो हाईवे एक्सप्रेस वे होते हैं ना उनमें भी लाइट नहीं लगी होती। देख लो भाई साहब पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, बस अपनी हेडलाइट की ही रोशनी है। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है ना उन्होंने जो है हाई बीम नहीं मार रखी, वरना हाई बीम सामने वाला ऐसे टाइम पे मारे तो भैया आंखें चुंदी आ जाती है पूरी की पूरी। तो हम भी मस्त लो बीम पे ही चला रहे हैं। हेडलाइट तो चलो भाई फिर भी ठीक है, लेकिन उससे अच्छी चीज ये है कि यहाँ के हाईवे पे ना ऐसे एकदम से जानवर नहीं निकल के आते और इंसान भी नहीं, वरना इंडिया के कई ऐसे हाईवे है भाई सब जहाँ से अचानक से रात को जानवर गायें वाय निकल जाती है और उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं क्या चुल होती है, हाईवे के बीच से रोड क्रॉस भी करते हैं, लेकिन इन देशों में कम से कम हाईवे पे ये वाली परेशानी नहीं है, तो रात को ना चल सकते हैं हम बिना किसी टेंशन के। और इसके अलावा भाई हमारी अभी दो परेशानियां बड़ी बड़ी आई है। सबसे पहले तो कि हम पहुंचने वाले हैं पेरिस 1:30 रात को, तो कहीं पे भी होटल में चेक इन तो मिलने नहीं वाला। हमें ना 4 रातों के लिए बुक करवाना था एक अपार्टमेंट, बट अब वो आज से तो हमें मिला नहीं, इसलिए हमने कल से उसे बुक करवाया 3 रातों के लिए। तो आज के लिए हमारे पास रुकने के लिए कोई स्टे नहीं था। अपार्टमेंट वाले वैसे ही नहीं देते चेक इन, और होटल के भी जो चेक इन थे ना वो रात को 11 या मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक था, उसके बाद कोई अलाउ ही नहीं कर रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि चलो होटल में चेक इन मिल भी गई तो पार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ऐसे प्राइवेट या फिर पब्लिक पार्किंग होती है ना अंडरग्राउंड वाली, ये भी भाई 7-8 बजे 9 बजे ना बंद करके चले जाते हैं, और अगर गेट खुला नहीं मिला तो हम एंटर कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये निकला कि पेरिस से 20-25 किलोमीटर पहले एक और सिटी आ रही है मैसी करके, वहां पे हमें ईबिस होटल मिल गया, जैसे हमने वहां पे चेक रिपब्लिक या ऑस्ट्रिया में बुक किया था। तो उनकी ना अपनी खुद की पर्सनल पार्किंग है, तो अब ऐसा दिक्कत भी नहीं होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन बुकिंग में वो दिखा रहे हैं कि 12 बजे तक चेक इन है रात को और हम पहुंचेंगे 1:30 बजे तक। तो होपफुली बस वो हमें चेक इन दे दे, क्योंकि बुकिंग हम कर चुके हैं, पे भी हमने कर दिया है। वहां जाके पता चलेगा भैया मिलता है या नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो भैया रात के 1 बजे खतरनाक वाला फंस गए है समझ लो पेरिस में हम, क्योंकि रुकने की जगह नहीं है, गाड़ी में सो नहीं सकते, लगेज इतना भरा पड़ा है। होपफुली बस मिल जाए और पार्किंग की टेंशन नहीं, अगर होटल मिल गया तो मतलब चेक इन मिल गया, क्योंकि उनकी खुद की पार्किंग है। आने में भाई बस 30-40 किलोमीटर रह गए हैं और अभी ये टोल टैक्स आ गया है यहाँ पर, और बाहर टेम्परेचर देखोगे भाई 12 डिग्री हो रहा है, अंदर हीटर चला रखे हमने, इतनी ठंड हो रही है। टिकट निकालो, टिकट बटन दबाओ, ये ट्रायंगल वाला बटन देखना लेफ्ट में भाई, ना तो पर्ची निकल रही है ना पेमेंट हो रही है कार्ड से, पता नहीं क्या दिक्कत है। हेलो, एक्चुअली द कार्ड इज नॉट वर्किंग, लाइक जस्ट अ मोमेंट, डू यू हैव अ टिकट? या आई वांट अ टिकट। ओके, ऑन योर टिकट यू हैव सम नंबर्स, 10.8 यूरो भाई साहब। ओके थैंक यू, वो निकाल लो स्लिप अपनी, लेफ्ट वाली भी और वो भी। गुड नाइट भाई साहब, 1,080 रुपए लगे हैं फ्रांस का। होपफुली अभी आखिरी ही टोल टैक्स होगा, बस इसके बाद कोई नहीं आने वाला। दिक्कत तो भाई ड्राइव करने में ऐसा सच कुछ भी नहीं हुई, पहुंचने ही वाले है, 350 किलोमीटर लगातार चला ली लगभग। हाईवे तो छोड़ दिया है, बट अभी पीछे का रास्ता पूरा का पूरा जंगल वाला था, ऐसे सुनसान सा। अब जाके थोड़ी बहुत लाइटिंग दिख रही है, आगे सिटी में एंटर करने वाले हैं। लो जी लो, आ गया है ईबिस होटल, इनकी पार्किंग अंदर ही है, चलो शुक्र है, और गेट भी लगा हुआ है पार्किंग में, तो ये अच्छी बात है भाई। रात के भाई 1:12 हो गए है और अब जाके जो है फाइनली पहुंचे है। होटल तो सही लग रहे हैं यहाँ का, कमर की बहन बच गई, लेकिन भाई चला चला के लगातार, क्योंकि ब्रेक ले नहीं सकते थे रात को, कहीं लेते, अब रास्ते में ना कोई पार्किंग दिख रही थी ना कोई, तो 350 किलोमीटर लगातार चलानी पड़ी। कसम से भाई चेक इन दे रहे हैं ये, वरना रात के 1:30 ऐसे स्कॉर्पियो इनके साथ फंस जाते पेरिस में। चलो शुक्र है भाई इन्होंने लाइटें वाइटें तो चला रखी है, रिसेप्शन में भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा पक्का। चलो जी चेक इन प्रोसीजर हो रहा है, पेमेंट करनी है, उसके बाद सीधा रूम में जाएंगे। ये है भाई अपना रूम, है तो साइज काफी सही, 2 सिंगल बेड लगे हुए, बाकी देख लो वॉशरूम दो कैसे छुपा के बना रखा है दरवाजा, पहले तो मैं बोला दीवार है ये, फिर देखा तो दरवाजा अंदर भाई साहब, ये है वॉशरूम। चलो भाई बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इस होटल में नहीं रहने वाले हम, कल सुबह चेकआउट करना है हमें और जाएंगे अपार्टमेंट में जहाँ पे हम 3 रात रहने वाले हैं, फिर तो वो तो आगे आप पेरिस की वीडियोस देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।